महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपने अपने कुनबे का विस्तार करना शुरू कर दिया है। वैसे तो राजनीति में अक्सर पुलिस अधिकारी आईपीएस आईएएस के एंट्री होती रहती है और कई खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन इस कड़ी में महाराष्ट्र के राजनीति में एक चर्चित मुंबई के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे कांग्रेस में एंट्री ले लिए हैं। लोकसभा चुनाव में ऐसे अटकलबाजी हो रही थी कि संजय पांडे कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तब नहीं लड़ सके। ऐसी भी बातें सामने आई कि संजय पांडे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तब भी वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े। अब संजय पांडे कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड की मौजूदगी में संजय पांडे कांग्रेस में शामिल हुए। संजय पांडे पर कुछ आरोप भी लगते रहे हैं। दरअसल संजय पांडे पर आरोप लगे हैं कि उनकी कंपनी आई सिक्योरिटी को साल 2010 से साल 2015 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सिक्योरिटी ऑडिट करने का काम सौंपा गया था और इसी दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में जो लोकेशन हुआ वो घोटाला हुआ। तो लोकेशन घोटाला, जांच एजेंसियों ने इस मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के तत्कालीन CMD चित्रा रामाकृष्णन और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले में संजय पांडे की कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सुरक्षा ऑडिट करने के बदले करोड़ों रुपए की रकम लेने के भी आरोप लगे। इस आड़ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारी की फोन टैपिंग भी की गई थी और इसी का आरोप भी उन्हें झेलना पड़ा था। 1986 बैच के पूर्व IAS अधिकारी संजय पांडे मुंबई की एक चर्चित हस्ती भी हैं। कई बार विवादों में इनका नाम उछाला गया है और ईडी की कार्रवाई भी सामने आई है और इन्होंने ईडी की कार्रवाई का सामना भी किया है। संजय पांडे को उद्धव ठाकरे का करीबी माना जाता है। रिटायर्ड होने से पहले उन्होंने कुछ महीनों के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त का अहम पद संभाला। रिश्वतखोरी के आरोप में जुलाई और सितंबर 2022 में ईडी और CBI ने उनको गिरफ्तार भी किया था और इस दौरान उनको 5 महीने तक तिहाड़ जेल में रहना भी पड़ा था। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर 2022 को उन्हें जमानत दे दी थी। यही वजह है कि संजय पांडे को तिहाड़ रिटर्न के साथ साथ PMLA का आरोपी भी कहा जाता है। अब अगर बात करें विस्तार से कि इन्होंने क्या क्या किस किस दंगे में या फिर कौन कौन से कमान संभाले, 1992-93 के बाद सांप्रदायिक दंगों के बाद से पांडे मुंबई पुलिस कमिश्नरी जोन 8 के पुलिस उपायुक्त थे। संवेदनशील धारावी क्षेत्र को संभाले रहते थे। वहां अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखी थी। धारावी में इस कार्यकाल के दौरान पांडे ने BJP नेता गोपीनाथ मुंडे को धरावी थाने में पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। पांडे बाद में DCP EW थे और फिर वहां तैनात रहते हुए उन्होंने करोड़ों के मोर्चे घोटाले की भी जांच की थी। बाद में इसे जालना स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। गोपीनाथ मुंडे तब गृह मंत्री थे। पांडे को तब केंद्र में प्रतिनियुक्ति मिली थी और वह प्रधानमंत्री सुरक्षा का हिस्सा भी बने थे। 2001 में पांडे ने सेवा से इस्तीफा दे दिया, लेकिन टेक दिग्गज में उन्होंने काम भी शुरू किए। साथ ही ISEC सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक के रूप में भी उन्होंने काम की शुरुआत की। 2006 में पांडे ने फिर से कैंट केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में पहली बार बहाली की और उनमें संपर्क साधा। उनका इस्तीफा सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, तो उनके पक्ष में कैट के आदेश के बावजूद उन्हें 2011 तक कोई भी पोस्टिंग नहीं दी गई थी। 2011 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालतों के हस्तक्षेप के बाद पांडे को फिर से प्रभार दिया गया। अप्रैल 2021 की बात करें तो पांडे को महाराष्ट्र के कार्यवाहक DGP के रूप में कार्यभार दिया गया उन्हें और 18 फरवरी 2022 तक वो कार्यवाहक DGP के रूप में बने रहे। DGP महाराष्ट्र के रूप में उनके नियुक्ति को लेकर बम्बई उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी और महाराष्ट्र के कार्यवाहक DGP के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान मुंबई और ठाणे में परमबीर सिंह के खिलाफ 5 FIR दर्ज की गई थी और इसमें IPS रश्मि शुक्ला के खिलाफ भी फोन टैपिंग का केस दर्ज हुआ था।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी में तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राणे के बेटे नितेश राणे के खिलाफ भी उनके कार्यकाल में मामला दर्ज किया गया था। कई पुलिस अधिकारियों का मुंबई से तबादला कर दिया गया। और इसके अलावा देखें तो क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप की जांच के लिए भी एसआईटी का गठन किया गया था। इन सब के बीच में देखा जाए तो ईडी ने संजय पांडे से 7 घंटे तक पूछताछ के समय मांगी और पूछताछ की थी। इस दौरान वो गोलमोल जवाब देते रहे, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले पिछले रिकॉर्ड को तो एनआईए की तरफ से जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ चित्रा रामाकृष्णन थी वो गिरफ्तार हो चुकी थी और उनसे भी पूछताछ की गई थी। आपको बता दें कि संजय पांडे का जन्म 30 सितंबर 1962 को महाराष्ट्र में ही हुआ। वो मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं और संजय पांडे आईआईटी कानपुर के छात्र रहे हैं। उन्होंने मुंबई में लंबे समय तक पुलिस सेवा की। 1986 आईपीएस बैच के अधिकारी रहे और पांडे 30 जून 2022 को सेवा से रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद राजनीति में एंट्री की सोची और इनकी चर्चाएं खूब हुई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये सामने आई है कि संजय पांडे को कांग्रेस सरवोवा विधानसभा सीट से उतार सकती है और यह उनका पसंदीदा सीट है। कांग्रेस मुंबई में उनके उत्तर भारतीय चेहरा के तौर पर मैदान में उतार सकती है। हालांकि इस पर आधिकारिक ऐलान बाकी है। जब ये ऐलान भी तब होगा जब विधानसभा के चुनाव की घोषणा होगी, उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ स्टार।